पाल से खबर, जहां पार्षद उम्मीदवारों को अब चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बात का फैसला लिया है। तमाम पार्षद उम्मीदवारों को अपना चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होगा। बता दें, पहली बार पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय लेखा का प्रावधान होगा। पहले महापौर और अध्यक्ष पद को चुनावी खर्च की जानकारी देना होती थी, पार्षद नहीं देते थे, लेकिन इस बार जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं उन्हें भी जानकारी देनी होगी। नगर निगम में 10 लाख की आबादी पर 8,75,000 की सीमा तय की गई, वहीं 10 लाख से कम जनसंख्या पर 3,75,000 की सीमा तय की गई। हम रुक करेंगे संवाददाता आकर्ष शर्मा का, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आकर्ष, पहली दफा ऐसा होगा कि जो पार्षद पद का उम्मीदवार होगा उसे भी अपना चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होगा? जी दीपक, हम पहली बार कह सकते हैं कि अब जो पार्षद चुने जाएंगे या पार्षद के जो उम्मीदवार होंगे उनको अपना चुनावी खर्च देना होगा। और ये इसको लेकर जो राज्य निर्वाचन आयोग ने उसने स्पष्ट भी कर दिया है। इसके तौर पर नगर पालिका निगम की बात करें जहां पर 10 लाख की आबादी है वहां पर 8,50,000 की सीमा रखी गई है। वहीं यदि हम बात करें 10 लाख से कम जनसंख्या पर 3,75,000 की सीमा तय रखी गई है। मतलब अब पूरी निगरानी जो है राज्य निर्वाचन आयोग रखेगा कि पार्षद अपने चुनाव में कितना खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम महापौर का देखते थे या फिर विधानसभा या सांसद का लोकसभा का चुनाव देखते थे जहाँ पर जो राज्य निर्वाचन आयोग जो है नजर रखता था, उसी तरीके से पार्षदों पर भी नजर रखी जाएगी। जो खर्च उनको दिया गया उसी सीमा में उनको खर्च करना होगा चुनाव में। दीपक, बहुत शुक्रिया आकर्ष बातचीत के लिए, जानकारी खबर पर पहुंचाने के लिए।